वो कहता है कि मेरा हर भाई पूरे शहर में अपना राज चलाएगा, मेरा वर्चस्व मेरा इतिहास बताएगा। व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम तो बच्चे चलाते हैं, मेरा नाम गूगल पर डालना, फोटो बाद में, वारदात पहले आएगा। ये शब्द है एक सनकी गैंगस्टर सलमान लाला के। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीडीएफ न्यूज की क्राइम सीरीज खलनायक। तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे इंदौर के कुख्यात हिस्ट्री शीटर बदमाश सलमान लाला के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि इंदौर शहर एक खूबसूरत शहर के रूप में जाना जाता है। जब कोई भी एक बार इंदौर शहर में घूम कर आता है तब उसकी चर्चा वो हर जगह करता है, बुराई में नहीं बल्कि अच्छाई में। इंदौर जैसा साफ सुथरा शहर भारत में शायद ही कोई दूसरा हो। इंदौर को एक अच्छे शहर के रूप में हर पर्यटक कहता है, लेकिन इसी इंदौर शहर में बुराई अपने चरम पर है, और बुराई ऐसी जिससे आम इंसान की जिंदगी प्रभावित होती है। बीते कुछ समय से इंदौर शहर में एक गैंग धीरे धीरे बहुत तेजी से सक्रिय हो रहा है। उस गैंग का नाम है सोयम लाला उर्फ सलमान लाला उर्फ लाला की फौज। इस गैंग का मुखिया है सलमान लाला, जिसे एक सनकी गैंगस्टर भी कहा जाता है। ये बाहर से दिखने में जितना मजाकिया लगता है, अंदर से दिखने में उतना ही खतरनाक। आज हम आपको सलमान लाला के जुर्म के किताब के कुछ पन्ने पलट कर दिखाएंगे कि कितना खतरनाक है सलमान लाला। वैसे तो सलमान लाला की उम्र 24 साल है, लेकिन जुर्म की दुनिया में इसकी उम्र से ज़्यादा जुर्म इसके नाम पर दर्ज हो चुके हैं। शराब की तस्करी से लेकर ड्रग्स की तस्करी तक, बाइक चोरी से लेकर मर्सिडीज और BMW जैसी लग्जरी गाड़ियाँ चुराने तक, ऐसे कई सारे अपराध हैं जो सलमान लाला के नाम पर दर्ज हैं। आजकल देखने को मिलता है कि जो इस तरह से गैंगस्टर होते हैं वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। ऐसे हमने कई सारे गैंगस्टरों को देखा है जो सोशल मीडिया पर अपनी बदमाशी की फ़ोटो डालकर, अच्छे गाने लगाकर अपने आप को बहुत बड़ा बदमाश दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंदर से वो कितने डरे हुए होते हैं ये आज हम आपको बताएंगे। ठीक उसी तरह से सलमान लाला की सोशल मीडिया के कई साइट पर इस तरह के वीडियो डालकर अपने दहशत को फैलाने की कोशिश करता है। अब इसे आप गैंगस्टर कहेंगे या फिर एक चोर, क्योंकि इसके बारे में हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो आप तय कर पाएंगे कि एक गैंगस्टर है या फिर एक शातिर चोर। सलमान लाला पहले तो शराब की तस्करी किया करता था और धीरे धीरे हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करने लगा। इसमें अपने साथ साथ अपने उम्र के बच्चों को भी लगा लिया और धीरे धीरे उसने लाला की फौज खड़ी कर ली, जो आए दिन इस तरह की वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। सलमान लाला अपनी गैंग में सगे संबंधियों को भी ज्यादा तरजीह देता है, और इससे ना तो उसे कोई दिक्कत होती है और ना ही उसके करीबियों को। कहा जाता है कि सलमान लाला के इस कर्मों में उसके घर वाले भी साथ देते हैं। पूरे इंदौर शहर में सलमान लाला अपना खौफ ऐसे पैदा करना चाहता है जैसे पूरे इंडिया में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने कर रखा है। सलमान लाला दाऊद इब्राहिम बनने की राह पर है, लेकिन पुलिस ऐसे गैंगस्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए इन सभी को फिलहाल जेल में डाल रखी है। सलमान लाला के गुनाहों की दास्तान आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि इसके गुनाहों की लिस्ट बहुत लंबी है और गुनाह भी ऐसे कि आप कंफ्यूज रहेंगे कि इसे गैंगस्टर कहें या फिर चोर, क्योंकि इसके गुनाह गैंगस्टरों के कम और चोरों के ज्यादा लगते हैं। जैसे बाजार में जाकर दुकानदारों से हफ्ता वसूली करना और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देना, शराब की तस्करी करना, अमीर लड़कों से दोस्ती कर उन्हें नशे का आदि बनाना, नशे का आदि बनाने के बाद उनका वीडियो रिकॉर्ड कर उन्हें ब्लैकमेल करना, लड़कियों को प्यार के जाल में फंसा कर उन्हें ब्लैकमेल करना, मर्सिडीज BMW जैसी बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां चुराना, और उन कारों का इस्तेमाल भी हथियारों की तस्करी में करना। सलमान लाला के गुनाहों की लिस्ट अगर तस्दीक से बताने बैठेंगे तो आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। साल 2018 में सलमान लाला के घर के पीछे से एक सफेद रंग की मर्सिडीज कार मिली थी, और मालूम चला था कि ये मर्सिडीज कार उसने अपने चार साथियों के साथ इंदौर शहर के पॉश इलाके से चुराई थी, और वो इसका इस्तेमाल हथियारों की तस्करी में किया करता था। लेकिन सबसे हैरत वाली बात यह है, जब पुलिस इसे पकड़कर थाने लाई तो इसके चेहरे पर ना तो डर था और ना ही हया। उसके बाद सलमान लाला 2020 में अपने ही स्विफ्ट कार में पुलिस के हत्थे चढ़ा, और उस दौरान इसकी गाड़ी में भारी मात्रा में नशीले पदार्थ थे जिनकी तस्करी करके वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने जा रहा था। इस दौरान जब पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब हुई तो पुलिस के सामने वो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा और कहा कि छोड़ दीजिए। सलमान लाला कभी पुलिस के सामने कहता है कि उसे अपराध करने में मजा आता है, वो एक दिन सबसे बड़ा गैंगस्टर बनेगा, तो कभी उसी पुलिस के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, इसीलिए शायद उसे एक सनकी गैंगस्टर भी कहा जाता है। जेल जाने के बाद सलमान लाला ने जेल में भी इस तरह की वारदातों को जारी रखा, और आए दिन उसकी किसी न किसी से झड़प होती रहती थी। एक बार तो जेल के अंदर ही
चाकूबाजी करते हुए एक साथी कैदी के मुंह पर उसने चाकुओं से कई वार कर दिए, जिसके बाद उसे अलग जेल में डाल दिया गया। फिलहाल पुलिस ऐसे गैंगस्टरों पर कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह से नकेल कस चुकी है, और इस कड़ी में सलमान लाला के घर की कुर्की भी हुई थी। लेकिन उसके साथी सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते रहते हैं ताकि इंदौर शहर में उसकी बादशाहत कायम रहे। लेकिन ये सुनकर बड़ा अजीब लगता है कि किसी के घर वाले भी जुर्म के रास्ते पर जाने के बाद इस तरह से किसी का समर्थन करते होंगे। कहा जाता है सलमान लाला की गैंग में उसके दो चचेरे भाई, जिनका काम भी लोगों से वसूली करना, और उस गैंग का कोई सदस्य अगर पकड़ा जाता है तो उसके लिए लीगल टीम की व्यवस्था करना होता है। फिलहाल इंदौर पुलिस ऐसे अपराधियों पर पूरी तरह से नकेल कस चुकी है, और इसमें इंदौर पुलिस को काफी हद तक कामयाबी भी मिली है। लेकिन ऐसे गैंगस्टर, ऐसे अपराधी बरसाती मौसम में मशरूम की तरह निकलते रहते हैं, और सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह से गलत तरीके से ये बदमाश करते हैं, उसका गलत ही प्रभाव देखने को मिलता है। लेकिन एक सवाल है जो हम आपसे करना चाहते हैं कि कई बार ये सुनने को मिलता है कि सलमान लाला एक बड़ा गैंगस्टर है जो उज्जैन के दुर्लभ कश्यप से उसकी तुलना भी की जाती है। लेकिन दुर्लभ कश्यप जिस तरह से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है उसके अलग ही चर्चे हैं, लेकिन सलमान लाला को आप क्या कहेंगे? क्या ये वाकई में एक गैंगस्टर है या फिर एक बहुत बड़ा चोर? नीचे कमेंट बॉक्स में जवाब जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो के बारे में अपनी प्रतिक्रिया भी रखिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।